इसके पहला भाग में मैंने इस ट्रिमर को जो नोवा 1052 ट्रिमर आता है उसका अनबॉक्सिंग दिया था। हालांकि इस सीरीज़ में जो अलग अलग ट्रिमर आते हैं उसका हो सकता है उसका अंदर मैकेनिज्म सेम ही है, लेकिन दोस्तों जो बैटरी का साइज़ है वो डिफरेंट है। तो ये जो ट्रिमर आप लोग देख सकते हो नोवा के जो ट्रिमर, ये देखने में और क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छा तो देखने को लग रहा है, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताया था, ये जो ट्रिमर है ये मेड इन चाइना है और कोई भी घोटाला हो सकता है इसके अंदर। तो हम लोग इसको टियर डाउन करेंगे, मतलब खोलेंगे, खोल के उसके अंदर क्या क्या है, क्या मौजूद है, उसको हम लोग देखेंगे और क्वालिटी वाइज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहला दिन में ही दिखाया था, यहाँ पर देख सकते हो जो नोवा वाला जो ट्रिमर है ये मेड इन PRC, मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब ये एक पूरा चाइनीज प्रोडक्ट है। तो चलिए टियर डाउन करते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, ये टियर डाउन जो वीडियो है ये हम लोग तो प्रोफेशनल इंजीनियर है, लेकिन दोस्तों हम लोग ऑथराइज नहीं है इस जो ट्रिमर के साथ। तो क्या होता है, अगर आप लोग घर में, अगर जितनी भी प्रोफेशनल हो ना, अगर आपको आप लोग घर में इस टाइप का जो ट्रिमर आते हैं उसको और इस टाइप का जो कोई भी डिवाइस को अगर आप लोग खोल लेते हो ना, उसका जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर सील नहीं है तो कंपनी ऐसा कुछ नहीं समझ सकते जो मैंने हम लोग खोला है, क्या छेड़खानी किया है, क्या यह है। लेकिन जो ट्रिमर है और जो कोई भी डिवाइस है उसका जो वारंटी है वो 90% चांस में वो ख़त्म हो सकता है। तो यह बार आप लोग देख सकते हो, खोलने के लिए पहले मुझको जो ट्रिमर का है ब्लेड है उसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर एक कैप लगे हुए है फ्रंट पोर्शन में, उसको खोलना पड़ेगा। ये पर आप लोग देख सकते हो ये जो पहला जो पार्ट है ये इसका अंदर छोटे छोटे प्लास्टिक क्लिप लगे हुए हैं, उस क्लिप को बेंड करके ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा ये हार्ड है बहुत ही ये खोलने में, थोड़ा अगर जल्दबाजी हो जाए तो ये ट्रिमर डैमेज हो सकता है, ट्रिमर का जो कैबिनेट है डैमेज हो सकता है। अगर डैमेज हो जाए तो ये वारंटी क्लेम नहीं हो सकते। अगर आप लोग इसका जो पहला पार्ट है जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो नहीं देखा हो तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो, आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हो। तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर, वारंटी चाहिए, बिल्कुल ना खोले इस डिवाइस को। उसके बाद मैं मुझको जो दो स्क्रू है यहाँ पर, दो स्क्रू को खोलना पड़ेगा। ये इस स्क्रू ड्राइवर से नहीं हो रहा है, थोड़ा स्लिप कर रहा है यहाँ पर। मैं एक बार तापारिया का स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, थोड़ा कोशिश करने के बाद ये खुल गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ लुब्रिकेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। ये इस पर जो स्विच का जो कॉन्टैक्ट पैड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए थोड़ा लुब्रिकेट शायद हो सकता है वेसलिन का और ग्लिसरीन, इस टाइप का कुछ इसी कुछ इस्तेमाल किया गया है इसके ऊपर। चलिए इसको स्क्रू को खोलते हैं, उसके बाद बैटरी कंपार्टमेंट निकल के आएगा। तो ये स्टील वाला जो है ये लॉक है ट्रिमर के ब्लेड के लॉक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिथियम आयन बैटरी सेल यहाँ पर लगे हुए है। ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है अगर आप लोग शॉर्ट कर देते हो तो ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा इस ट्रिमर को खोलने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग और भी देख सकते हो, लेकिन दोस्तों घोटाला कहाँ पर है मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्लस वाला जो वायर यहाँ पर लगे हुए हैं इसके साइड में आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करने का कोशिश करूँगा, यहाँ पर थोड़ा पेस्ट यहाँ पर मौजूद है। तो अगर पेस्ट मतलब जो सोल्डरिंग फ्लक्स यहाँ पर मौजूद है इसके लिए क्या होता है, अगर ये एसिडिक अगर सोल्डरिंग पेस्ट होगा तो ये यहाँ पर कोरोसिव हो सकता है, मतलब ये मेटल को खा जा सकता है। उसके बाद वायर का जो क्वालिटी है वायर टूट सकता है,
तो ये वायर जो है ये अगर टूट जाए तो ये इसका ट्रिमर है ये बिल्कुल नहीं चलेगा, तब जाके आपको दोबारा नया वाला ट्रिमर लेना पड़ेगा। मैं एक बार मोटर को टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो इस टाइप का जो मोटर आता है, जो मैकेनिज्म आता है, सर्किट आता है, बैटरी आता है, वो उतने जल्दी ये खराब नहीं होता है। थोड़ा मैं यहाँ पर डिसोल्डरिंग करके वो फिर से क्लीन करके आइसोप्रोपाइल से यहाँ पर जो रेड वाला वायर है उसको मैं फिर से लगाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग एक 8 पिन का आईसी देख सकते हो। ये जो 8 पिन का आईसी आप लोग देख रहे हो ये है लिथियम बैटरी प्रोटेक्शन आईसी। चलिए मैं एक बार इस बैटरी का वोल्टेज माप लेता हूँ। मैं मेज़र करके आपको बता देता हूँ जो लिथियम बैटरी का कंडीशन कैसा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो वोल्टेज जो है यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक बार ऑपोजिट साइड से जो मेज़र करने का कोशिश करूँगा। चलिए यहाँ पर से एक बार मैं मेज़र कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही टर्मिनल सोल्डरिंग किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो वोल्टेज जो है वो 3.942 मतलब 4 वोल्ट के आसपास यहाँ पर चार्ज देखने को मिलता है, जो बहुत ही बुरा बात है। क्योंकि अगर लिथियम बैटरी में 3.7 वोल्ट के ऊपर चार्ज दे के भेजता है और वो बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं तो जो लिथियम बैटरी सेल है वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है जो कंपनी है वो 50% चार्ज करके ही भेजता है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिल रहा है। चलिए मैं दोबारा इसको असेंबल करके ये इसको टेस्ट करने वाला हूँ। चलिए इस ट्रिमर को मैं एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ ये काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखते रहें।